ये छत्तीसगढ़ में जो है नितिन बता रहे थे कि महादेव ऐप में पूर्व सीएम का नाम फिर से उछल रहा है और इसमें जो है पैसे जो है भेजे गए थे वो उसमें भी पूर्व सीएम और साथ ही साथ कोयला घोटाले का मामला भी सामने आ रहा है। अब सीधे चलते हैं दुर्ग जहां पर हमारे संवाददाता, माफ करिएगा, बीजापुर सीधे चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज बीजापुर में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी सतीश। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता अब इस विभाग की तरफ से एक प्रश्न नोट जारी किया गया है, उसमें 2023 का लेखा जोखा दिया गया है। 2023 में किस प्रकार से पुलिस विभाग की उपलब्धियां हैं वो सारी चीजें गिनाई गई है। लगातार जिस प्रकार से पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई करते गए हैं, 2023 में लगभग ऐसे 22 मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें से 22 मुठभेड़ों में से 4 ऐसे मुठभेड़ रहे हैं जिनमें हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिसमें से एक हार्डकोर नक्सली जो कि केंद्र कमेटी का सचिव भी रहा है, नागेश पदम, उसको मध्य एरिया कमेटी का सचिव भी माना जाता था और उसको मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है और कहीं ना कहीं नक्सलियों को कमर तोड़ने में सबसे बड़ा हथियार भी हुआ है। वहीं अगर बात करें तो लगभग 150 माओवादियों को गिरफ्तार करने का भी जिक्र किया गया है इसमें। और वर्ष 2023 में लगभग 5 ऐसे हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से AK-47 एक हथियार भी है जिसको अब बरामद किया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 74 कारतूस, 82 IED और 58 डेटोनेटर ये बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 400 मीटर इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से ये लेखा जोखा है पूरे वर्ष का, जो कि नक्सलियों का जो खात्मा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पूरे जिले में, वो ये पूरा लेखा जोखा उसके अनुसार दिया गया है। और वहीं अगर बात करें तो आम नागरिकों की भी हत्या इसमें की गई है नक्सलियों की तरफ से, जिसमें से 12 ऐसे आम नागरिक है जो जिनकी हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है और 8 ऐसे जवान हैं जो कि आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं, उनके उनके लिए भी जिक्र किया गया है। वहीं अगर बात देखें तो 8 नवीन कैंप खोले गए हैं और इन 8 नवीन कैंप को खोलने के लिए 8 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा जो 8 जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह वर्ष जो रहा है काफी उपलब्धिपूर्ण रहा है पुलिस विभाग के लिए और कई ऐसे बड़े मूवमेंट रहे हैं जिसमें काफी बड़ी सफलताएं हासिल की गई है पुलिस विभाग की तरफ से। नवीन कैंप की स्थापना होने की वजह से ग्रामीण और सुदूर अंचलों में जहाँ पे माओवादियों का प्रभाव इलाका है वहां पे पहुंचने में सहूलियत अब देखने को मिल रही है। अंदरूनी क्षेत्रों में अब आसानी से जान आवागमन हो पा रहा है। सड़कों का निर्माण ढेरों सारे हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सड़कें निर्माण हो रही है जो इससे पूर्व में कभी नहीं हो पाई थी। इससे पूर्व में काफी ऐसे दुर्गम इलाके थे, दुर्गम रास्ते थे जहां पे पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं हुआ करता था। ग्रामीण बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल के आते थे और वहां तक अब जो है पुलिस प्रशासन की मदद से वहां तक पहुंच पाने में आसानी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह वर्ष पूरा 2023 जो रहा है पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और पूरे बस्तर जिला के लिए काफी बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि बीजापुर जिला संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर किस तरह का जो माहौल होता है वो अलग तरह का क्रिएट होता है। लोगों का जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए, जी जिस प्रकार से सतीश, विचारधारा को बना रखने के लिए पुलिस विभाग की कड़ी कड़ी से कड़ी पालन किया जा रहा है। जी जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत